हेलो एवरीवन सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो एंड दिस टाइम दिस इज बेस्ड ऑन द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आपको क्या बताना है कि जो आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है उसमें जो बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं बीटा गामा एंगल्स एंड देयर बॉन्ड लेंथ्स दैट इज़ ए बी सी उनके बीच में क्या रिलेशन होता है सो so पहले इस वीडियो को अच्छे से देखना अच्छे से समझना एंड फिर कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करना देर इज़ वन मोर क्वेश्चन जो मैच बॉक्स होता है उसकी जोमेट्री कैसी होती है एंड देर इज़ वन मोर क्वेश्चन ये तो इस वीडियो की हेडिंग से ही अपने को आंसर मिल जाएगा कि हाउ मैनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देर ओके सो इन सॉलिड स्टेट आपको सिंपल क्यूबिक बी सी सी एफ सी सी एंड एंड सेंटर क्रिस्टल के बारे में पता होगा नहीं भी पता है तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ देखिए कॉर्नर्स पे जो एटम होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वन बाई एट एजिश पे वन बाई फोर होता है फेस सेंटर पे वन बाई टू होता है और बॉडी सेंटर पे होता है वन क्योंकि पूरा का पूरा एक स्पेयर बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है इट इज़ नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर स्वेयर सो सिंपल क्यूबिक की बात करें सो सिंपल क्यूबिक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें द एटम्स आर ओनली प्रजेंट एट द एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एज यू कैन सी

फॉर एफ सी सी दटम्स आर प्रेजेंट एट दॉर्नर्स और हर एक फेस के सेंटर uh, में भी प्रेजेंट हैं जैसे ऊपर वाले फेस की मैं बात करूँ आर ऊपर वाला फेस तो इसका सेंटर क्या हो गया ये इसका सेंटर हो गया ऐसे ही हम एंड सी सी की बात कर सकते हैं जिसमें एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं एट दी कॉर्नर्स और कोई भी आमने सामने वाले कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे तो या तो ये दो फेस हो सकते हैं या ये ऊपर नीचे वाले फेस हो सकते हैं या ये आगे और पीछे वाला फेस हो सकता है पीछे वाले फेस को मैं आपको ऑरेंज कलर से दिखाता हूं सो दिस इज आर एन सी और इसमें जेड की वैल्यू आ जाएगी टू सो सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो वन टू फोर टू सर ये अपना हो गया बेटा Z का वैल्यूज अब चलते हैं सर वॉट आर द सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स तो आपको सभी को पता होगा कि सेवन क्रिस्टल सिस्टम है कौन से बट द प्रॉब्लम इज कि इनको हाउ टू लर्न है ना इनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक ट्राई क्लिनिक है ना तो इनको कैसे याद करे सभी का अल्फा बीटा गामा अलग अलग है सभी की ए बी सी की वैल्यूज़ अलग अलग दिख रही है अपने को सो so, इसके लिए बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार अपने पास ट्रिक है और टोटल सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं आप देख सकते हो एंड देर आर फोर्टीन ब्रेविस लैटिस सो ब्रेविस वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन और उन्होंने बताया था कि हमारे पास फोर्टीन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं टू डिफाइन दीज सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स और यूजिंग दीज सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स सो इसका जो ट्रिक है दैट इज़ वेरी क्लोज टू आर हार्ट ऑब्वियसली द नेम इज वेरी गुड दैट इज क्यूट आर मदर ठीक है तो मैं आपको इसको डिकोड करके बताता हूँ कि इससे हम कैसे अपने सेवन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट तो सबसे पहले क्यूट से स्टार्ट करते हैं सो दिस इज क्यूबिक फिर टीई का मतलब हो गया बेटा टेट्रागोनल अब आप देखते रहो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा आर से हो जाएगा ओर्थोरोम्बिक यू कैन ऑल्सो पोज द वीडियो एंड आराम से इसको अपने हिसाब से आप आगे करके देख सकते हो मदर के एम से हो जाएगा बेटा मोनोक्लिनिक फिर मदर के टी से हो जाएगा ट्राई क्लिनिक फिर एच से हो जाएगा हेक्सागोनल एंड द लास्ट वन इज आर आर इज आर रोम्बोहेड्रिक रोमबो का एक और नाम है बेटा ट्राइगोनल तो मैं इधर लिख देता हूं कभी आएगा तो आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि सर ये तो हमको आता ही नहीं सो so, अब हमें क्या करना है इसके पैरामीटर्स को याद करना है सो so, इसका सिंपल सा ट्रिक है आप ऊपर से लिखना शुरू करो जीरो वन टू और जैसे आपने ऊपर से लिखा है ऐसे ही नीचे से लिखो जीरो वन टू तो ऊपर से लिखा जीरो वन टू नीचे से लिखा जीरो वन टू और बीच में कॉमन आ गया टू तो ऊपर से जीरो वन टू नीचे से जीरो वन टू और बीच में टू अब इससे हमें क्या पता चलेगा इससे हमें पता चलेगा एबीसी के बारे में ठीक है तो जीरो का मतलब है कोई भी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है वन का मतलब है एक बॉन्ड लेंथ इक्वल है एक अनइक्वल है टू का मतलब है दो अनइक्वल है टू का मतलब है दो अनइक्वल है टू का मतलब है दो अनइक्वल है अगेन मतलब वन का मतलब है एक अनइक्वल है जीरो का मतलब है सभी इक्वल हैं, कोई भी अन नहीं है तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी के बीच में रिलेशन बहुत ही इजीली हमने कर लिया एंड दूसरी चीज क्या है हमारे पास द एंगल्स सो स्टार्टिंग में तीनों का एंगल 90 डिग्री होता है और तीनों ही इक्वल होते हैं तीनों के एंगल याद हो गए आप सबसे लास्ट में जाओ स्टार्टिंग में क्या था अल्फा, बीटा गामा इक्वल थे और 90 के इक्वल थे तो यहाँ अल्फा, बीटा गामा इक्वल तो हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री अब इससे ऊपर ट्राई क्लिनिक में आ जाओ ट्राई क्लिनिक में क्या है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री सो स्टार्टिंग के तीनों में तीनों इक्वल लास्ट वाले में इक्वल तो है बट नॉट नाइनटी और ट्राई क्लिनिक में सब नॉट इक्वल पे लगा दिया हमने अब बचे दो मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल सो मोनोक्लिनिक में होता है एल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू नाइन्टी बट बीटा इज नॉट नाइन्टी और हेक्सागोनल में होता है एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू नाइनटी गामा नॉट और गामा नॉट इक्वल टू नाइनटी और गामा इज वन ट्वेंटी डिग्री सो यहाँ से हमारे पास सभी के एंगल्स रेडी हो गए हैं। ऑब्वियसली इसको दो तीन चार बार आपको रिवाइज करना होगा यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन तो आपको ये लर्न हो जाएगा ठीक है अब अगर आपने इसको एक बार लिख लिया एक बार समझ लिया बेटा नाउ अब आप इस पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स अब यहाँ पर अगर आप सब क्रिस्टल सिस्टम को देखोगे कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें बॉन्ड पैरामीटर्स भी बढ़िया से इक्वल हैं एंड एंगल भी इक्वल है सो एंगल तो सिर्फ इन तीनों में इक्वल है बट बॉन्ड पैरामीटर्स सारे इक्वल किस में That is cubic. Cubic हैं दैट इज क्यूबिक इसलिए हम क्यूबिक इतना ज्यादा पढ़ते हैं तो वी कैन से दिस क्यूबिक के अंदर सब कुछ इक्वल है सब बराबर है सो इट इज द मोस्ट सीमेट्रिक वन सो वी कैन से द मोस्ट सीमेट्रिक स्ट्रक्चर इज द क्यूबिक वन और कौन सा ऐसा है जो लीस्ट सिमेट्रिक है मतलब जिसमें सब अनइक्वल है सो आई थिंक ट्राई क्लिनिक इज द वन इसमें बॉन्ड पैरामीटर्स भी अनइक्वल हैं एंड द एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल सो ट्राई क्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक वन और द लीस्ट सिमेट्रिक वन सो इससे हमने क्यूट आर मदर से पूरा का पूरा अपना टेबल तैयार कर लिया अब आता है बेटा वेर आर द फोर्टीन ब्रेविस है ना तो मैं आपको दिखा देता हूं क्यूबिक के अंदर होते हैं सिंपल क्यूबिक बी सी सी एंड एफ सी सी तो सर इनको कैसे याद करेंगे हम किसके अंदर क्या है तो इसके लिए नंबर लिखना है आपको थ्री टू फोर टू वन 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 बोलो मेरे साथ थ्री टू फोर टू वन 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 थ्री टू फोर टू वन 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 सो थ्री का मतलब है तीनों आ गए सिंपल क्यूबिक बी सी सी एफ सी सी टू का मतलब है सिंपल क्यूबिक एंड बी सी सी फोर का मतलब है सिंपल क्यूबिक भी है बी सी सी भी है एफ सी सी भी है एंड ई सी सी भी है सिंपल क्यूबिक बी सी सी और वन का मतलब क्या है सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक एड सिंपल क्यूबिक तो ये रही आपके सामने पूरी कहानी ना इफ वी एड थ्री टू फोर टू वन 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 तो कितना आता है बेटा so ये थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस फोर नाइन टू इलेवन एंड थ्री फोर्टीन सो ये ब्रविश जी ने हमें समझाया था सो दे देर आर सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स एंड फोर्टीन ब्रेविज लैटेस्ट तो ये भी अपना प्रूफ हो गया ऊपर के तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अब इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो हमें याद करने हैं या याद करने चाहिए सो बेटा वी ऑलवेज प्रेफर द एन सी आर टी ठीक है तो एन सी आर टी में जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हम उन्हीं को याद करेंगे बिकॉज दे आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्ड क्वेश्चन तो आप सभी में से एक एक दो दो याद कर सकते हो मैं इधर बता देता हूँ हमारे लिए ईजी रहेगा तो क्यूबिक के लिए आप एन याद कर सकते हो जिंक ब्लेंड याद कर सकते हो टेट्रागोनल के लिए यू कैन लर्न वाइट स्टोन एंड कैल्शियम सल्फेट मैं उन्हीं को टिक कर रहा हूँ बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं या आ सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक इज योर बी एस ओ फोर सल्फर रोम्बिक सल्फर दो टाइप में होता है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक एंड के एन ओ थ्री सॉल्ट बैटर भी बोलते हैं इसको हेक्सागोनल में यू कैन लर्न ग्रेफाइट एंड कार्बोरेंडम एस आई सी देन रोम्बोहैड्रल और ट्राइगोनल में आप एच जी एस को याद कर सकते हो जिसको सिनेबार बोलते हैं मोनोक्लिनिक में वॉट इज दिस दिस इज वॉशिंग सोडा एंड ट्राई क्लिनिक में यू कैन लर्न कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू विच इज़ ब्लू इन कलर और योर फेवरेट द बोरिक एसिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है सॉलिड स्टेट में तो ये रहा आपका पूरा का पूरा ट्रिक अब हमने ये अच्छे से पढ़ लिया है ना ओनली वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व यू हैव टू रीड दिस वीडियो एंड द कंटेंट अच्छे से क्यूट आर मदर को अच्छे से समझो अच्छे से लिखो बेटा एंड वंस यू आर डन विद दिस यू कैन गिव मी द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स so i'll wait for your answers do comment thank you so much keep uh, liking subscribing and share to all other aspirants thank you